हिमालयाज, द बिगेस्ट ऑफ विच इज गंगोत्री. इट इज 32 किलोमीटर लॉन्ग. द कंभू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द एवरेस्ट रीजन ऑफ नेपाल. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथ ऑफ क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन. द हिमालयन ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड टू मेल्ट एट अ फास्टर रेट इन रीसेंट टाइम बिकॉज ऑफ राइजिंग एटमोस्फेरिक टेम्परेचर्स एंड दे कंटिन्यू टू श्रिंक. अब यहाँ पर बताया है कि जब बहुत ज़्यादा जो माउंटेन्स का जो हाइट रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ती है, माउंटेन्स में आपका क्या है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो कोल्ड रीजन में वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ पर क्या गिरते हैं, स्नो गिरते हैं. और स्नो जो है, जब स्नो फॉल होते हैं, जब गिरते हैं, तो एक सॉफ्ट कॉटन की जैसे, सॉफ्ट कॉटन या वुल के जैसे ग्राउंड पे गिरते हैं. लेकिन वहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, एयर प्रेशर पड़ने की वजह से वो हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये जो स्नो मिक्स्ड विथ आइस है, ठीक है, ये इनके साथ में जो स्नो है, जो आइस और स्नो और आइस का जो कॉम्बिनेशन है, वो स्लोप में, ठीक है, स्लोपी रीजन है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है. और यही जो शिफ्टिंग होती है, यही जो द शिफ्टिंग मास ऑफ आइस, ठीक है, यही जो आपका जो सॉलिडिफाइड आइस है, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसी को आपको ग्लेशियर कहा जाता है. अब यहाँ पर बताया कि जो ग्लेशियर है वो वैलीज में जाता है, रिवर के थ्रू फ्लो होते हुए, ठीक है, रिवर्स फ्लो होते हुए, रिवर्स के थ्रू वो जो आइस है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हुए वैलीज में पहुँचते हैं, नीचे आते हैं, और उसके बाद में फिर इसी को कहा जाता है कि आपका जो रिवर्स है, ये आइस से क्या है, ओरिजिनेटेड है, आइस से बने हुए रिवर्स हैं, आइस से बने हुए रिवर्स हैं. और यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयस में. सबसे बड़ा जो ग्लेशियर्स है उसका नाम है गंगोत्री, जो कि करीब 32 किलोमीटर लंबा है. नेक्स्ट आपका ग्लेशियर का नाम दिया है कम्बू ग्लेशियर, जो कि एवरेस्ट रीजन पे लोकेटेड है, एवरेस्ट रीजन जो कि नेपाल पे है वहाँ पर लोकेटेड है, और सबसे पॉपुलर पाथ है. अगर आपको माउंट एवरेस्ट में जाना है तो सबसे पॉपुलर पाथ आपका पाथ है जो कि आपका नेपाल से होते हुए जाता है. अब जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब पिघलना स्टार्ट करें बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट से. मीन्स नॉर्मली तो पिघलते ही हैं वो, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में अब पिघलना वो स्टार्ट हो चुके हैं. क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो एटमोस्फेयरिक टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. हमारे आज के टाइम पे जो गर्मी है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो हिमालय में, जो हिमालयन माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं. श्रिंक हो रहे हैं मीन्स सिकुड़ रहे हैं. अब जो ग्लेशियर्स बनते थे वो धीरे धीरे क्या, पानी बनते जा रहे हैं, जब वो वाटर बनते जा रहे हैं हाईएस्ट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पिघलते जा रहे हैं और फिर वो छोटे होते जा रहे हैं. उसी को यहाँ पर बोला गया है श्रिंक होते जा रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, द कश्मीर वैली. द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1850 मीटर अबाउ सी लेवल एंड इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द झेलम वैली. द झेलम रिवर कार्व्ड दिस 135 किलोमीटर लॉन्ग एंड 32 किलोमीटर वाइड प्लेन अमिडस्ट द माउंटेन्स. हाउ डिड इट क्रिएट दिस वास्ट प्लेन सो हाई अप इन द माउंटेन्स? दिस इज अ क्वेश्चन साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू आंसर. दे से देयर वॉज वंस अ लेक देयर. इट फ्लोज इट इट्स वाटर फ्लोड थ्रू अ क्रीवियस इन टू द झेलम रिवर. वेन एन अर्थक्वेक स्प्लिट द माउंटेन्स, द रिमेन्स ऑफ दिस एंशियंट लेक इन काश्मीर लेक इज काश्मीर प्रेजेंट दाल लेक. श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड नियर द दाल लेक इन द वैली. अब देखिए, यहाँ पर कश्मीर वैली के बारे में बताया है. कश्मीर वैली जो है वो 1850 मीटर हाइट पर बनी हुई है, सिचुएटेड है, और आसपास में उसके क्या है, सभी उस वैली के आसपास में पूरा वो माउंटेन से कवर्ड है. इसको झेलम वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो झेलम रिवर है, ठीक है, झेलम रिवर है, वहाँ पर उसका 135 किलोमीटर लॉन्ग और 32 वाइड प्लेन वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से उसको झेलम वैली के नाम से जाना जाता है. अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं कि इतने बड़े माउंटेन्स में और इतने ऊपर में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा प्लेन और प्लेन है, मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पर पानी वगैरह का जो साधन है वो यहाँ पर है. ठीक है, साइंटिस्ट आज भी क्या करते हैं, इस चीज़ को खोज रहे हैं कि किस किस तरीके से वहाँ पर
एक वैली बन गई है, ठीक है। तो एक तो उनका यहाँ पर मानना है उनका कि झेलम रिवर जो है वो अर्थक्वेक के कारण माउंटेन से स्प्लिट हो गया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अर्थक्वेक आने की वजह से माउंटेन से स्प्लिट हो गया झेलम रिवर, जिसके बाद वो क्या बन गया आपका, दाल लेक के नाम से जाना जाता है। झेलम रिवर से स्प्लिट हो गया, जिसके बाद में जो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के प्रेजेंट पे उसको दाल लेक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर श्रीनगर, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, वो दाल इज सिचुएटेड नियर द दाल लेक, ठीक है। दाल लेक के ही पास में सिचुएटेड है वहाँ पर। फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ ड्रॉ फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। दे कम टू इंडिया इन लार्ज नंबर्स टू विजिट द वैली। द लाल लेक इज डॉटेड विथ फ्लोटिंग हाउसेस ऑन बोट्स, दे आर कॉल्ड हाउस बोट्स और शिकारास। दे आर अ की टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल पीपल। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, द वैली हैज सेवरल लोकल इंडस्ट्रीज सच एज कारपेट वीविंग, वॉलनट, वुड फर्नीचर, कश्मीरी पश्मीना शॉल्स, सेफ्रॉन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पर कश्मीर जो है वहाँ पर क्या है, कश्मीर में बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है वहाँ पर, वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से। सबसे फेमस जो है वहाँ पर वो दाल लेक है आपका, दाल लेक है। दाल लेक में जो फ्लोटिंग हाउसेस है, मीन्स बोट के ऊपर जो आपका हाउस बना रहता है, वो जो है वो उनका क्या है, मेजर अट्रैक्शंस में आता है। वो हाउस बोट्स को आपका शिकारास के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहाँ के लोकल पीपल को ये चीज़ क्या देता है, आपका इनकम प्रोवाइड करने का काम भी करता है। एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ जो बाकी जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इस चीज़ में को क्या करते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर, जैसे कि कारपेट वीविंग, वॉलनट वुड फर्नीचर, कश्मीरी पश्मीना शॉल, सेफ्रॉन, ये सारे वो लोकल काम जो है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए करेवा। द कश्मीर वैली इज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स, इट इज अ सॉसर शेप्ड प्लेन। एज वी कैन सी इन फिगर 2,500 ऑफ ईयर्स अगो, देर वॉज अ वेरी बिग लेक हियर विच वॉज फेड बाय द वॉटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स। ओवर द ईयर्स दिस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिपॉजिटेड देयर सेडिमेंट्स, स्लेट क्ले एक्सेट्रा इन द लेक। वेन द पीर प्रांजल रेंज बिगेन टू राइज बिकॉज ऑफ इंटरनल इंटरनल प्रोसेस विद इन द अर्थ, द वॉटर ऑफ द लेक ड्रेन्ड आउट। प्लेट्यू लाइक टेरेसिस और टेबल लैंड वेयर फॉर्म्ड ऑन द सराउंडिंग माउंटेन्स कॉल्ड करेवास एंड और वुद्रास इन द लोकल लैंग्वेज। दिस ट्रेसेस आर वेरी फर्टाइल। दिस प्राइसलेस स्पाइस सेफ्रॉन इज ग्रोन इन दिस ट्रेसेस। वेन द सेफ्रॉन प्लांट फ्लावर्स, स्टिग्मास आर रिमूव्ड, दे आर यूज टू प्रिपेयर मैनी मेडिकेशंस। दे आर ऑल्सो यूज एज स्पाइस टू प्रिपेयर डिलीशियस डिलीशियस डिशेस। कश्मीरी सेफ्रॉन इज फेमस इन द वर्ल्ड ओवर। अब देखें यहाँ पर करेवा क्या है, तो क्योंकि कश्मीर वैली जो है वो क्या है, हाई माउंटेन से घिरा हुआ है और एक सॉसर शेप का है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जो बिग लेक हुआ करता था वो पूरे पूरा पानी से भरा हुआ था। अब ये पानी रिवर्स मीन्स रिवर्स वाटर ऑफ रिवर्स, ठीक है, वो पूरा नदी के पानी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स आए, ठीक है, सेडिमेंट्स आए जो कि जिसमें स्लेट क्ले, ये सारे सेडिमेंट्स जो थे वो लेक के साथ में, रिवर के वाटर के साथ में वहाँ पर आए। अब ये जो वाटर रिवर था वो क्या हो गया है, वहाँ पर जो वाटर था वो क्या हो गया है, हो सकता है यहाँ पर जो वाटर है वो कम हो गया है या ड्रेन हो गया है, जो लेक है वो किसी तरीके से ड्रेन हो चुका है, जिसके बाद में जो एरिया बचता है, ठीक है, वहाँ पर पहले पानी हुआ करता था, अब वो पानी न, वहां पर पानी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एरिया जो रहेगा वहां पर जो एरिया बचेगा उसको यहाँ पर बोला गया है करेवा, ठीक है, करेवा बोला गया है। ये जो लैंड है, जो लैंड इस वजह से जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, पानी ड्रेन आउट होने की वजह से जो यहाँ पर प्लेट्यू के बीच में जो लैंड फॉर्म हुआ है वो काफी अच्छा, काफी क्या है, फर्टाइल लैंड है,
जिसमें आपका जो सैफ्रॉन है, ठीक है, सैफ्रॉन मीन्स केसर, ठीक है, केसर जो है वो वहाँ पर उगाने से वो जो केसर है वो क्या रहता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। अब यहाँ पर वही बता रहा है कि यहाँ यहीं पर आपका जो सैफ्रॉन प्लांट्स है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। अब जब सैफ्रॉन, ये देखिए आपका सैफ्रॉन का प्लांट दिया है, ये जो आपके फूल है सैफ्रॉन के, क्या है, फूल है, इसके जो स्टिग्मास हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे जो स्टिग्मास हैं, यही क्या यूज़ होते हैं आपके केसर के रूप में यूज़ किया जाता है उसको। ये बहुत सारे मेडिकेशंस मीन्स मेडिसिंस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ में स्पाइस के रूप में भी इंडिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में लद्दाख विलेज इन द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।